देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। जेडीयू से मतभेद पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले संविधान बोलने की आजादी देता है। आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान, बोले सर सैयद ने कहा था अगर शिक्षा के मामले में पीछे रहेंगे मुसलमान। देश के सबसे पुराने मुकदमे को कलकत्ता हाईकोर्ट ने निपटाया, 72 साल बाद हो पाया फैसला। मौसम को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, बोले 2025 तक देश भर में होगा डॉपलर मौसम रडार का नेटवर्क। रिमोट वोटिंग सिस्टम का डेमो, 8 नेशनल और 57 स्टेट पार्टियां देखेंगी आरवीएम की वर्किंग, विपक्ष विरोध को तैयार है। हरियाणा कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी की चर्चा, भूपेंद्र हुड्डा बोले राजीव जी 2 बजे से पहले नहीं सोने देते थे। हवा में लहरा है सीएम शिवराज का हेलीकॉप्टर, पायलट ने कहा गड़बड़ हो गई है, सीएम बोले अब सब भगवान भरोसे। अमित शाह ने की प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत, बोले लोगों को जागरूक होना जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, बोले मेक इन इंडिया का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को विनिर्माण अर्थव्यवस्था बनाना होगा। महाराष्ट्र में अन्नदाता पर संकट, साल 2021 से भी अधिक 2022 में किसानों ने की आत्महत्या, 8 जिलों में बुरा हाल है। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग आज, बतौर अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के आसार, चुनाव की रणनीति भी बनेगी। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा, जालंधर के भोगपुर में टी ब्रेक के लिए रुके राहुल गांधी, सिक्योरिटी के चलते बदला गया समय। पंजाब को साधेंगे अमित शाह, 29 जनवरी को पटियाला में रैली, राहुल गांधी की यात्रा से डैमेज को कंट्रोल करेंगे। हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें बंद, 200 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित, 18-19 को फिर बर्फबारी। अश्वनी चौबे के काफिले में शामिल हुए कार हादसे का शिकार, एक्सीडेंट में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री। सपा नेता जावेद पम्प से जेल में मिलेगा सपा डेलीगेट, प्रयागराज अटाला हिंसा का मुख्य आरोपी है। रंगनाथ मंदिर में हुआ माता गोदा का विवाह, 5 दिवसीय विवाह उत्सव का हुआ समापन। एसओ दरोगा समेत 10 पुलिस कर्मियों पर होगी एफआईआर, फेरीवाली की हत्या में छूटा हुआ था खुलासा। मेरठ में डॉगी ने मालकिन को बदमाशों से बचाए, पिस्टल तानी तो हमलावर हुई घर में घुस रहे थे।
कानपुर में सर्दी का सितम दोबारा शुरू, न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री पहुंचा, दो दिन अभी भी और जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। लखीमपुर खीरी में आमने सामने दो कारों की टक्कर, मां की मौत, दो बेटियां जख्मी, कोहरे के कारण हुआ हादसा। दो दिन में दूसरी बार दिखा तेंदुआ, मेरठ में 5,000 घरों में लोगों ने दहशत में गुजारी रात, भाला लाठी लेकर जाग रहे हैं। आजमगढ़ में कोविड की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, युवाओं के पंजीयन शिविर लगाने की बनाई जा रही योजना। ट्रैक्टर डाली से टक्कर से एक युवक की मौत, एक घायल, देर रात घर से लौट रहे थे दोनों, चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। कानपुर देहात में 3 गोवंशीय तस्कर गिरफ्तार, कंटेनर से 55 गोवंश बरामद, आरोपियों ने कबूला कटान को ले जा रहे थे पशु। बेटे ने ही की थी कुष्ठ रोगी मां की हत्या, दवा दिलाने के बहाने 80 साल की मां को घर से ले जाकर जंगल में फेंक आया। शाहजहांपुर में बंदी की मौत, परिवार ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। बांदाकोट की सुरक्षा में तैनात दरोगा का निधन, हार्ट अटैक आने से मौत, 5 महीने पहले ही बने थे सब इंस्पेक्टर। औरैया में सड़क किनारे युवक का मिला शव, एक दिन से गायब था, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है मामले की जांच। धरने पर बैठे नेपाल प्लेन हादसे में मृतकों के परिजन बोले, शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई मिलने भी नहीं आया। ट्रक चालक निकला फ्रॉड, झारखंड के बजाय पहुंचा हवालात, तो वाहन लदा एंगल कबाड़ी को बेचकर डीसीएम छोड़ा लावारिश। मेरठ में 10 साल की बच्ची का किडनैप, पीड़ित पिता ने अपहरण कर बेचने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। औरैया में अनियंत्रित कार ने बाइक में मारी टक्कर, गंभीर हालत में 4 लोग, कानपुर हेलेट रेफर, चालक फरार हो गया। शराब लाने के विवाद में हुई थी राकेश की हत्या, पड़ोसी ने ईंट से सिर कुचलकर मार डाला था, आरोपी गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में आग लगने से 3 घर जले, गृहस्थी का सारा सामान राख, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। बहराइच में गोवध के 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 दिन पहले पशुओं को मारने के बाद बाग में फेंके थे मांस के टुकड़े। मथुरा में नाबालिग से दुराचार, गांव के 2 युवकों पर रेप का आरोप, वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी। ग्रेटर नोएडा में दिखा शिमला जैसा नजारा, गाड़ियों के ऊपर जमी बर्फ की चादर, 2 दिनों से बड़ी ठंड। रेलवे रिश्वत कांड में हुई थी हरिओम की गिरफ्तारी, बुलंदशहर से सीबीआई ने नकदी के साथ पकड़ा था। बिजनौर में क्लिनिक के चोरों ने तोड़े ताले, हजारों का माल लेकर हो गए फरार, किराना स्टोर को भी बनाया अपना निशाना।
लखनऊ के अमीनाबाद स्थित दुकान में लगी आग, आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ राख। हमीरपुर में सड़क पर खड़ी ट्राली टकराई बोलेरो से, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल हो गए। कानपुर में कमिश्नर आवास के पास कुछ ही दूरी पर दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्म दिवस पर केक काटते वक्त मची भगदड़, धक्कामुक्की की तस्वीर हुई वायरल। कानपुर में सिपाही के तांडव का वीडियो वायरल, साथियों के साथ सिपाही ने मिलकर की पिटाई व लूट, वीडियो हुआ वायरल। जोशीमठ में बीते 24 घंटे में एक दूसरे की तरफ और झुके दोनों होटल, दरारों की संख्या और चौड़ाई भी बढ़ी। जोशीमठ के बाद औली रोपवे पर मंडराए खतरा, 50 मीटर दूरी पर होटल झुके, प्रशासन ने बताया अति संवेदनशील। उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं से ठिठुरा प्रदेश, मैदानों में घना कोहरा, दो दिन बर्फबारी के आसार हैं। भूविज्ञानी व पर्यावरणविदों से मिले राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं से कहा प्रभावितों की सहायता करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी की दो टूक, कहा संलिप्त अभ्यर्थी 10 साल तक नहीं दे पाएंगे परीक्षा। पेपर लीक मामले में पड़ताल शुरू करेगी एसआईटी, 2014 पीसीएस परीक्षा पर भी मंडराए शंका के बादल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना, जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा संभावित। उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचेगी आयोग की टीम, मंदिर में प्रवेश करने पर दलित युवक के साथ हुई थी मारपीट। जमीन की भीतरी परत खोलेगी जोशीमठ के भूगर्भ में छुपे राज, जियोफिजिकल और जियोटेक्निकल सर्वेक्षण शुरू। भवाली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर हादसा, बस पलटने से एक महिला की मौत, 6 यात्री हुए घायल। उत्तराखंड में 24 घंटे में शीतलहर के साथ घनी कोहरे का येलो अलर्ट, दो दिन बाद बर्फबारी के भी आसार। बढ़ रहे भूधसाओं ने बढ़ाई चिंता, बारिश के पानी से बचाव को बेनोटाइन तकनीक से भरी जाएगी दरारें। नकल को लेकर सीएम धामी का बयान, बोले बनेगा सख्त कानून, नकल में संलिप्त अभ्यर्थी 10 साल तक नहीं दे पाएंगे परीक्षा। जोन में बाटा आपदा प्रभावित क्षेत्र, घरों के बाहर लगाए गए स्टिकर, जायजा लेने पीएमओ से पहुंचे अधिकारी। अघोषित बिजली कटौती से उद्योगों में 30% ज्यादा उत्पादन प्रभावित, दून व हरिद्वार में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। आईएमएफ ने रोका पाकिस्तान का कर्ज, फ्यूल प्राइस बढ़ाने की शर्त नहीं मानी, आर्थिक संकट से निकलने के लिए मदद को मोहताज है।
नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त विमान का मिला ब्लैक बॉक्स, लापता चार लोगों की तलाश अभी जारी। अफगानिस्तान में तालिबानी राज में बढ़ा महिलाओं पर जुर्म, बंदूकधारियों ने पूर्व सांसद मुरसल के घर में घुसकर हत्या की। पुतिन की सेना ने यूक्रेन में किया कमाल, युद्धपोत किलर ब्रह्मास से उड़ाए अपार्टमेंट, अमेरिका ब्रिटेन फेल। पुतिन की सेना ने दी विद्रोह की धमकी, कहा बिना व्यवस्था के -25 डिग्री सेल्सियस में लड़ना असंभव। अमेरिका में बाढ़ से तबाही लगानी पड़ी इमरजेंसी, 19 की मौत, 2 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। रूसी हमले में मरने वालों की संख्या 30 हुई, 44 लापता लोगों से बचने की उम्मीद नहीं, पुतिन बोले सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। नेपाल में प्लेन क्रैश, मलबे से 68 शव निकाले गए, 4 लापता, सेना बोली अभी तक हमें कोई जिंदा नहीं मिला। इसराइल में नेतन्याहू के विरोध में उतरे 80,000 लोग, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिशों का विरोध, पुतिन से करें तुलना। पाकिस्तान पीएम का कबूलनामा, शहबाज शरीफ बोले एटमी ताकत होकर भी भीख मांगना शर्मनाक, सऊदी यूएई ने बहुत मदद की है। मारुति की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने गाड़ियों की कीमत में आज से 1.1% का इजाफा किया। ललित मोदी कोरोना संक्रमित बेटे को बनाया उत्तराधिकारी, कहा मेरे रिटायर होने और बच्चों को पढ़ने का वक्त। इंडिया में मारुति की जिमनी का क्रेज, 2 दिन में जिमनी की 3,000 से ज्यादा बुकिंग, 3 महीने की हो सकती है वेटिंग लिस्ट। महंगे होम और कार लोन पर आरबीआई गवर्नर ने कहा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा तो इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक हाई बने रहेंगे। टेस्ला ने घटाए अमेरिका में कारों के दाम, टॉप सेलर मॉडल वाई एसयूवी समेत कई कारों की कीमतें 20% तक घटाई। सोने की चमक लगातार जारी, 57,000 के करीब पहुंचा गोल्ड, चांदी 69,000 की हुई पार। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बोली मिडिल क्लास से हूं इसलिए उनकी परेशानी जानती हूं। नए साल में झटका, 8 बैंकों के कर्ज हुए महंगे, फरवरी में एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना। सीसीआई द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गूगल, याचिका में कहा प्रभावित होंगे भारतीय यूजर्स। दिसंबर में लोगों को महंगाई से मिलेगी राहत, थोक महंगाई दर घटकर 5% से नीचे आई। विराट के एक शॉट से 2 श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल, आपस में टकराए मैदान में घुसा फैन, कोहली के पैर छुए। आर्सेनल के गोलकीपर रैम्सडेल के फैन ने मारी लात, रैम्सडेल की विपक्षी टीम के खिलाड़ी से हुई थी नोकझोंक।
वायकॉम 18 ने खरीदा विमेंस आईपीआई का मीडिया राइट, 5 सीजन के लिए बीसीसीआई को मिलेंगे 951 करोड़ रुपए। भारत की ऐतिहासिक जीत का श्रीलंकाई क्रिकेटर को मिला क्रेडिट, कोहली ने सबके सामने की तारीफ। पचास पारी बिना शतक रोहित शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, गौतम गंभीर बोले विराट कोहली जैसा सख्त होना होगा। वनडे इतिहास में पहली बार 300 रन की जीत, भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया, 4 वनडे में विराट का तीसरा शतक। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत इंग्लैंड मैच ड्रॉ, आखिरी मिनट में पेनल्टी कॉर्नर चुका इंग्लैंड, भारत ग्रुप डी में अभी भी नंबर 2। तीसरे वनडे में बने 17 बड़े रिकॉर्ड, भारत में विराट के नाम सचिन से ज्यादा शतक, पार्टनरशिप में पोटिंग से आगे निकले। यूक्रेन की मदद के लिए छोड़ा टेनिस स्वेतुलिना, युद्ध प्रेगनेंसी के चलते 10 महीने पहले टेनिस से दूर हुई, अब वापसी को तैयार है। मलेशिया ओपन 2023, भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल में बाहर हुए। फराह खान ने किया साजिद अब्दू का वेलकम, बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद तीनों ने खूब मस्ती की। रेटिंग की खबरों के बीच एक बार फिर शादी के तमन्ना विजय एक साथ दिया पोज, यूजर्स बोले फेवरेट कपल। नाथूराम गोडसे बने फिल्म एक्टर, चिन्मय मंडेलकर बोले गोडसे अपनी जगह सही लेकिन गांधी की हत्या गलत। शहनाज गिल को आया पेपरोजी पर गुस्सा, बोली जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो चुप रहो। सेल्फी लेने आए फैन पर भड़की राखी सावंत, बोली थोड़ा दूर रहो, मैं शादीशुदा हूं, पहले की बात अलग थी। नौरा फतेही ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, लुक देखकर ट्रोलर्स बोले ये सस्ती लेडी गागा दिख रही है। वृंदावन पहुंची हेमा मालिनी, मथुरा के राधा रमण मंदिर में गाए भजन, कृष्ण मंदिर में भक्ति में डूबी नजर आई। सेल्फी का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, आमने सामने दिखे अक्षय कुमार और इमरान हाशमी, फरवरी में रिलीज होगी ये फिल्म। बिग बॉस 16 से बाहर निकलने के बाद स्पॉट हुए अब्दू, मनीष पॉल के साथ आए नजर, गाने से जीता फैंस का दिल। सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम पर है तारा, नाक से खून बहता था तो ध्यान हटाने के लिए करते थे एक्टिंग की प्रैक्टिस। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। झूठ